गाजर का हलवा सुन के मुंह में पानी आता है ना, और खाने में भी मज़ा आता है, पर बनाने में कितनी हजामत होती है आज दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी ये जो वेशभूषा हमने धारण की हुई है, फटाफट पहले इसको चेंज करते हैं, उसके बाद गाजर छीलने बैठना है और गाजर को छांसना भी है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, फटाफट करते हैं। आगे देखो, ये है 2 किलो गाजर, जिसको साफ़ करते करते अभी मेरी हालत ख़राब होने वाली है, तो देखो आगे और मजे लो। अभी आधे घंटे हाथ का वर्कआउट करने के बाद दुकान पर आए हैं। नहीं, वो वाला वर्कआउट नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो कौन सा वर्कआउट है वो देख लेगी जनता ब्लॉग में। 2 बटर, आधा लीटर दूध और आधा लीटर शक्कर। साला हरामी कुछ और ही वर्कआउट बता रहा था, वो वाला वर्कआउट नहीं किया था भाई। अभी क्या वर्कआउट किया वो तो देखा ही ना तुम लोगों ने, वो वाला वर्कआउट। ये असली लौंडा है। तो गाजर छास के रेडी हो गया है, अब ये रहा टोप, टोप चढ़ा दिया, बटर दूध और शक्कर आधा किलो। 2 किलो के हिसाब से मैं हर बार आधा किलो शक्कर ही डालता हूँ। आई नो किसी किसी को शायद ये थोड़ा ज़्यादा लगे, बट मेरा ये मानना है कि भाई मीठी चीज़ बना रहे हो और अगर उसमें मिठास ही ना हो तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो 1:4 का रेशियो रखता हूँ मैं हर बार। 2 किलो गाजर है तो आधा किलो शक्कर, आधा किलो है उससे थोड़ा बहुत कम भी डालोगे तो भी चलेगा, बट अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा ही मीठा अच्छा लगता है, तो आधा किलो शक्कर जाएगी। और अभी फटाफट से जो बटर लिया है, बटर में हम लोग फ्राई करने वाले गाजर को। आप लोग के पास अगर देसी घी है तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, टेस्ट भी अच्छा इन्हेंस करेगा, बट अभी फ़िलहाल अपने पास देसी घी नहीं है। तो घी किससे बनता है? मक्खन से। तो मक्खन लेके आ गए हैं, तो देखो अभी आगे का कार्यक्रम। तो अपने दोनों बटर को तो हमने जलती हुई पतीली में डाल दिया है, और देखो दोनों की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही हैं। तो कोई बात नहीं, उनकी चीखें अभी फटाक से शांत हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे गाजर। गाजर को भून लेंगे। गाजर भूनने की प्रोसेस शुरू हो गई है। 2 किलो गाजर है और टोप काफ़ी बड़ा है, तो अभी कैमरा बंद करके दोनों हाथ से भूनता हूँ। उसके बाद जब जादू होगा ना, एक जादू होगा देखो भूनने के बाद, उसके बाद दिखाता हूँ ये जादू कैसा होता है क्या होता है। हमारा अभी यहाँ पे तो कोई हेल्प करने वाला या कोई सहायक है नहीं कि भाई पकड़े और रिकॉर्ड करे और हम बनाएं दोनों हाथ से, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, चलता है ना। हाँ, तो अभी इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा स्टर कर लिया है भूजते हुए बटर डालने के बाद। तो जैसे कि देख सकते हो, ये था वो जादू, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कलयुग है, गिरगिट और इंसान तो रंग बदलते ही थे, अभी देखो गाजर भी रंग बदलने लगा। अगर नोटिस किया होगा तो जब हमने गाजर पहले डाला था तब लाल था, अब देखो लाल से थोड़ा ऑरेंज हो गया है। तो ये था इसका जादू। अभी इसको 5 मिनट थोड़ा सा और ढक के भूजूंगा, फिर उसके बाद इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो शक्कर ऐड करते ही ये पानी छोड़ेगा, इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो और प्लस शक्कर दोनों मेल्ट होके पानी छोड़ेगी। तो वो पानी में ही थोड़ा सा गाजर को पकाना है, उसके बाद का प्रोसेस तो दिखा ही रहा हूँ। देखो कहाँ जाना है, आराम से, घाई नहीं कोई। अच्छी खासी भुनाई हो गई है गाजर की, तो अब इसमें जाएगी शक्कर।
ये कलयुग का गाजर है ना, तो मानेगा नहीं, फिर रंग बदलेगा। अब शक्कर जाने के बाद देखो फिर से रंग बदलना चालू करेगा। ऑरेंज से फिर थोड़ा थोड़ा लाल होते जाएगा ये। हो गया ना लाल, देखो रंग बदलू गाजर। अभी जहाँ थोड़ी देर पहले राजस्थान जैसा सूखा था, वहीं पे देखो शक्कर डालने के बाद देखो केरला की बाढ़ आ गई, फिर से पानी आ गया ना, बोला था ना। तो वापस से इसको ढक के पकाएंगे, और जब तक ये शक्कर के साथ अपना पूरा मॉइस्चर छोड़ के उसी पानी में पकेगा, तब तक अब ऐसे तो मज़ा आएगा नहीं गाजर का हलवा। थोड़ा बहुत उसमें ड्राई फ्रूट गलना बनता है ना, वरना मज़ा नहीं आएगा। तो जब तक ये पकेगा तब तक वो कार्यक्रम सेट करते हैं फटाफट, ठीक है चलो। तो ये एक मुट्ठी अप्रॉक्सीमेटली काजू, एक मुट्ठी बादाम, और ये थोड़ी सी किशमिश, ये लोग आए मेरे से मैटर करने। फटाफट से इन लोग को काट पीट के चीर चार देता हूँ एक आग को बीच बीच में से, उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है। ये देखो मेरे से भिड़ने आए थे, कट पीट के काम तमाम हो गया सबका। तो बस अब ये भी अपना ऑलमोस्ट रेडी हो गया, अब इसमें जाएगा ऊपर से दूध, और दूध के साथ ये चिल्लर लोग। काफ़ी सारे लोग खोआ डालते हैं, पर मैं दूध डाल के दूध को ही जला देता हूँ। टेक्सचर तो एंड में खोए की तरह ही मिलता है, तो काम चल जाता है फिर। इन लोगों को बोला था अब उनसे पंगा मतलब काट डालेगा, लेकिन सुने नहीं ना। जाओ थोड़ा सा फ्लेम को करेंगे हाई, अच्छे से स्टर कर लेंगे, और अब बस करना कुछ नहीं है। गाजर ऑलमोस्ट पक ही चुका है, बस खाली दूध को जलाना है। दूध का जैसे ही जैसे बारीक बारीक दूध के दाने आ जाए ना, दूध का टेक्सचर खोए की तरह दिखने लगे गाजर के हलवे में, तो समझ लो कि आपका गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। मतलब थोड़ा सा अभी ये जितना मैंने दूध डाला तो थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ गया, मतलब थोड़ा सा गीला हो गया। अब जैसे जैसे आप दूध को जलाओगे, आपका हलवा जो है वो गीले से गाढ़ा होता जाएगा, और वो दूध के जो टेक्सचर मैंने बताया वाइट वाइट दाने, वो दिखने लगेंगे। तो जितना ज़्यादा सूखा चाहते हो तो सूखा बनाओ, अगर थोड़ा गीला रखना चाहते हो थोड़ा तो गीला रखो, आपके ऊपर है। अब ये फटाफट पक जाए तो इसका फाइनल जो भी है रंग रूप दिखाता हूँ एंड में, ठीक है। तो ये रहा अपना गाजर का हलवा पूरी तरह से बन के तैयार, और बस। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही छोटे मोटे ब्लॉग्स मैं डालता रहता हूँ चैनल पे, तो अगर वीडियोस अच्छे लगे, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब के। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।